दोस्तों, अगर सबसे वफादार जानवरों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है। कुत्तों को इंसान का सबसे पुराना और अच्छा दोस्त माना गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में कुत्तों की 350 नस्लें पाई जाती है और इनमें से कई नस्ल के कुत्ते बहुत खतरनाक भी होते हैं, जो खतरा महसूस होने पर किसी की भी जान ले सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ खतरनाक कुत्तों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें कई देशों में बैन भी कर दिया गया है। तो आइए मिलते हैं टॉप 10 मोस्ट डेंजरस डॉग्स इन द वर्ल्ड। डॉबरमैन पिंसर एक जर्मन डॉग ब्रीड है। 140 साल पुराने इस डॉग ब्रीड को गार्डियन डॉग भी कहा जाता है। 35 से 40 किलो के ये कुत्ते अपने मालिक पर खतरा महसूस होने पर किसी की भी जान ले सकते हैं। इस नस्ल के कुत्तों का बाइट फोर्स 305 PSI होता है। ये कुत्ते 30 से भी ज्यादा लोगों पर हमला कर चुके हैं, जिनमें से 8 लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। और अपने इस आक्रामक स्वभाव के कारण मलेशिया, सिंगापुर और कतार में इस डॉग ब्रीड पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। चेहरे से मासूम दिखने वाला रॉटविलर बहुत ही खतरनाक कुत्ता है, जो जर्मनी से बिलोंग करता है। इस डॉग ब्रीड को 1931 में दुनिया के सामने लाया गया था। अपने 50 किलो वजन और 328 PSI के बाइट फोर्स के साथ हमला करने पर यह किसी की भी जान ले सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिटबुल के बाद सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेने में रॉटविलर आता है, और इसीलिए 2020 में इसे डेंजरस डॉग ब्रीड की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये इतने अग्रेसिव होते हैं कि बचपन से ट्रेनिंग ना मिलने पर ये अपने मालिक पर भी हमला कर सकते हैं। इसके गुस्से का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं। सिर्फ अमेरिका में ही इस ब्रीड ने 55 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है। UK, फ्रांस और न्यूजीलैंड समेत 30 देशों में इन्हें पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। बॉक्सर डॉग को लोग एज अ गार्ड डॉग ही रखना ज्यादा पसंद करते हैं। ये वफादार तो होते ही है, लेकिन उतने ही खूंखार भी होते हैं। जर्मनी से बिलोंग करने वाली ये ब्रीड 7 सेंटीमीटर लंबी और 30 किलो वजनी होती है। बॉक्सर डॉग का बाइट फोर्स 230 PSI होता है, लेकिन अगर ये किसी को पकड़ ले तो उसे आसानी से नहीं छुड़ाया जा सकता। एक्सपर्ट की माने तो इस नस्ल के कुत्तों को बच्चों से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में आने पर ये किसी पर भी हमला कर सकते हैं। ये नस्ल बहुत ही एक्टिव होती है। इसे दिन में 1 घंटे तक एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, और ऐसा ना करने पर उनका स्वभाव और भी आक्रामक बन जाता है। ये कुत्ते 75 से भी ज्यादा लोगों पर हमला कर चुके हैं, जिनमें से 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक बात ये भी कही जाती है कि बॉक्सर को अपने मालिक के अलावा और किसी का भी चेहरा याद नहीं रहता। इस डॉग ब्रीड को ये खास नाम अपने मस्कुलर लुक और खड़े रहने के पोस्चर से मिला है। बुल टेरियर अपने विचित्र फेस से अट्रैक्ट करने वाली ये डॉग ब्रीड लगभग 187 साल पुरानी है। 35 से 38 किलो वजनी इस डॉग का बाइट फोर्स 320 PSI है। ये डॉग हाइट में बहुत छोटे लेकिन आक्रामक होते हैं। छोटे कद के बावजूद अगर ये डॉग किसी को पकड़ ले तो उसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये डॉग किसी पर भी जल्दी हमला नहीं करते, लेकिन खतरा महसूस होने पर पल भर भी रुके बिना हमला कर देते हैं। पिटबुल का नाम तो आपने जरूर से सुना होगा। अपने आक्रामक स्वभाव के कारण हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट रहने वाला पिटबुल का वजन 20 से 27 किलो होता है। 220 साल से भी ज्यादा पुरानी इस डॉग ब्रीड का बाइट फोर्स 330 PSI होता है। अगर इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये अपने मालिक पर भी हमला करने से नहीं कतराते। अमेरिका से ताज्जुब रखने वाले पिटबुल का मस्कुलर लुक डॉग लवर को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। इंसानों पर हमला करने में ये डॉग ब्रीड टॉप पर आती है। पिटबुल ने सिर्फ अमेरिका में ही 500 से ज्यादा लोगों पर हमला किया है, जिनमें से 346 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आज भी पिटबुल का नाम डेंजरस डॉग लिस्ट में पहले लिया जाता है। UK, UAE, ऑस्ट्रेलिया समेत 30 कंट्री ने पिटबुल पर बैन लगाया है। डॉगो अर्जेंटिनो। इस डॉग का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि ये अर्जेंटीना से बिलोंग करता है। 68 सेंटीमीटर की हाइट और 45 किलो के अपने वजन के साथ जब ये किसी पर हमला करता है तो उसे मारकर ही छोड़ता है। ये डॉग इतने अग्रेसिव होते हैं कि गुस्सा आने पर अपने मालिक तक को नहीं छोड़ते। अर्जेंटिनो का बाइट फोर्स 500 PSI होता है। अगर इस डॉग को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो ये बेहद ही शांत स्वभाव का हो सकता है। हर साल डॉग के द्वारा किए जाने वाले हमलों में से 6% लोग सिर्फ डॉगो अर्जेंटिनो का शिकार होते हैं। अपने अग्रेशन के कारण
डेनमार्क, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों की सरकार ने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इंग्लिश मैस्टिफ 80 से 90 सेंटीमीटर जितनी हाइट और 70 से 90 किलो वजनी ये विशालकाय ब्रीड इंग्लैंड से बिलोंग करती है। किसी को भी डराने के लिए इंग्लिश मैस्टिफ की एक झलक ही काफी है। ये ब्रीड इंग्लैंड में पिछले 2000 सालों से पाई गई है। ये एक ऐसा डॉग है जो खतरा महसूस होने पर किसी पर भी हमला कर सकता है। हर साल सिर्फ अमेरिका में ही 50 लोग इस कुत्ते के हमले का शिकार बनते हैं। इंग्लिश मैस्टिफ का बाइट फोर्स 556 PSI होता है, जो कि लायन के बाइट फोर्स से 94 PSI कम है। कई देशों में इसे अपना पेट बनाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है। कैन कोर्सो अपने अग्रेसिव लुक के कारण डॉग लवर्स की पहली पसंद होता है। 2010 में आई ये ब्रीड आज पूरी दुनिया में मशहूर है। कैन की हाइट 60 से 70 सेंटीमीटर होती है और वजन 50 से 55 किलो होता है। इस डॉग को लिस्ट में नंबर 3 पर लाता है इसका बाइट फोर्स, जो कि 650 PSI यानी कि एक लायन जितना है। अक्सर ये इंसानों पर जल्दी हमला नहीं करते, लेकिन गुस्सा आने पर उसे मारे बिना नहीं छोड़ते। UK और US समेत कई देशों में इस कुत्ते को पालने पर रोक लगा दी गई है। अमेरिकन बेन डॉग अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड में से एक है। 35 से 40 किलो वजनी और एवरेज हाइट का ये डॉग हमेशा डेंजरस डॉग की लिस्ट में टॉप पर रहता है। इस डॉग का बाइट फोर्स 730 PSI है, जो किसी भी इंसान या जानवर को दो हिस्सों में बांटने के लिए काफी है। सिंगापुर और डेनमार्क के अलावा और कई कंट्री ने इस डॉग को बैन कर दिया है। कैंगल हमेशा डेंजरस डॉग ब्रीड की लिस्ट में टॉप पर रहने वाली कैंगल डॉग ब्रीड तुर्की से बिलोंग करती है। अपनी 90 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की हाइट और 60 किलो तक का भारी वजन कैंगल को और भी अग्रेसिव डॉग बनाता है। कैंगल का बाइट फोर्स 743 PSI होता है, जो एक लायन के बाइट फोर्स से 90 PSI ज्यादा है। अगर इस डॉग ने आपके ऊपर हमला किया तो आपके बचने के चांस 1% से भी कम होंगे, क्योंकि गुस्सा आने पर ये डॉग अपने मालिक की भी नहीं सुनते। 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी डॉग ब्रीड का उपयोग पहाड़ी इलाकों में भेड़ बकरियों को चराने के लिए किया जाता था और आज भी पहाड़ी इलाकों में इसका उपयोग किया जाता है। कैंगल को बहुत सारे देशों में बैन किया गया है, लेकिन कुछ देशों में इसे अपना पेट बनाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है। ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक टॉप 10 डॉग ब्रीड्स। अगर आपको इनमें से किसी एक डॉग ब्रीड को चुनने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे, ये कमेंट कर जरूर बताएं।